नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकी पराशर और आज मैं आपको ले जा रही हूं एक ऐसे मंदिर में जहां पे कि न्याय मिलता है। तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारे। हम जा रहे हैं भीमताल से भुवाली होते हुए घोड़ाखाल, और यहां घोड़ाखाल में ही ये है सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल के बिल्कुल साथ ही है गोलजू देवता का मंदिर। इनको गोलू देवता भी बोला जाता है, गोलजू देवता भी बोला जाता है, घंटियों वाला मंदिर भी बोला जाता है। तो ये हैं न्याय के देवता। ये देखिए यहाँ से ऊपर जो सीढ़ियाँ जाती दिख रही हैं, ये जाती हैं मंदिर के लिए। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के दोनों साइड लगी हैं अनगिनत घंटियाँ। लाखों की संख्या में यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई हैं। और ये जो मंदिर है पहाड़ के एकदम टॉप पे बना हुआ है, उसके बाद ऊपर जाने को कुछ भी नहीं है, पहाड़ का बिल्कुल एंड है। और जो रास्ता है वो भी बहुत ही खतरनाक है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थीं, हम चढ़ते जा रहे थे लेकिन सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये देखिए कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं। मैं शर्मा जी, अर्पित, मयंक, सृष्टि, हम लोग आए हैं इस मंदिर में। हमें ज़्यादा इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए, यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने पूछा, तब इसकी महिमा का हमें पता चला। गोलजू देवता को या गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ के लोग कोर्ट कचहरी में जाने की अपेक्षा गोलू देवता के मंदिर में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और घंटियों के साथ ही यहाँ पर बंधी हैं चिट्ठियाँ, पर्चियाँ, जिस पर लोगों ने न्याय की मांग की है। ये देखिए गोलू देवता की मूर्ति, घोड़े पर सवार हैं ये, और ये सभी को न्याय दिलाते हैं। लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिनकी जो इच्छा है, मनोकामना है, पूर्ण हो जाती है, वो घंटियाँ चढ़ाता है। तो ये देखिए कितनी संख्या में घंटी हैं। तो यहाँ की प्रसिद्धि का, लोगों में कितनी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति, ये तो आपको घंटियों की तादाद देखकर पता लग ही गया होगा। अनगिनत घंटियां, जिधर देखो उधर घंटियां ही घंटियां बंधी हुई हैं। ये देखिए घंटियों के साथ ही स्लिप लगी हुई हैं, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, और साथ ही उन समस्याओं के निवारण की गोलू देवता से प्रार्थना की है। वैसे तो न्याय के लिए लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की गोलू देवता के प्रति आस्था है, वो कोर्ट कचहरी में जाने की अपेक्षा यहाँ इस मंदिर में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए घंटियाँ ही घंटियाँ। बड़ा सुंदर लग रहा था मंदिर, यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी ली। इस मंदिर में बंदर भी बहुत थे, उनसे भी डर लग रहा था। बिल्कुल एक छोटा सा मंदिर था, और मंदिर जो मेन मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए बिल्कुल सकरा सा छोटा सा रास्ता था, मतलब परिक्रमा मार्ग बहुत छोटा सा था। तो हमने दर्शन किए और हम चल दिए अब अपने घर। ये देखिए घंटियां ही घंटियां हैं, और यहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो बड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि एकदम टॉप पर पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए गोलूदेव मंदिर लिखा है यहाँ पे, और ये अब हम नीचे उतर आए हैं।
ये देखिए यहाँ पे ऊंचाई वगैरह सब लिखा हुआ है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। और यहाँ पर हमने प्रकृति के इतने सुंदर नज़ारे देखे, यहाँ इस जगह हमने बादलों को उड़ते हुए देखा। एकदम से बादल आए, उड़ने लगे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, घर दिखाई देना बंद हो गए। आप भी अगर इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उड़ते हुए बादल ज़रूर दिखाई देंगे। ये देखिए बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखिएगा। कुछ ही पलों में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ ही पलों में बारिश होने लग जाती है, तो बड़ा ही सुंदर अद्भुत नज़ारा था। लेकिन रास्ता बहुत ही सकरा था, छोटा था, डरावना लग रहा था। पहाड़ खिसकते रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस जगह बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो बनाने लग गए। और ये देखिए ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, कितनी चढ़ाई है। तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ की खूबसूरती को मन में बसाए हम चल दिए वापस अपने घर।